क्या एक्सरे से पता चलेगा आपको कोरोना है या नहीं? दुनिया में आया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट। दोस्तों, कोरोना के नए केसों में आया उछाल फिलहाल कंट्रोल में दिख रहा है, लेकिन इस बीच कोविड से जान गंवाने वालों के आंकड़ों ने टेंशन बढ़ा दी है। इस तरफ नए केसों की गति अब धीमी पड़ी है, लेकिन बीते हफ्ते कोविड की वजह से 2500 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई है। हालांकि बड़े शहरों में अब संक्रमण धीमा पड़ा है, लेकिन बाकी हिस्सों में इसकी रफ्तार बढ़ी है। आलम यह है कि देश में कोरोना के नए मामले 3 लाख से ऊपर आ रहे हैं, जबकि एक हैरान करने वाली भी बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसके नए सब वेरिएंट का पता चला है। इस वेरिएंट को BA.2 या फिर स्टेल्थ ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। ये भारत समेत 40 से अधिक देशों में पाया गया है। इसकी खास बात ये है कि ये वेरिएंट RT-PCR टेस्ट से भी बच सकता है, जिसकी वजह से कोरोना की एक और लहर आने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये स्टेल्थ ओमिक्रॉन क्या है और इस स्टेल्थ ओमिक्रॉन की पहचान कैसे और कब हुई? इसको लेकर अब वैज्ञानिकों का क्या कहना है और इससे अस्पताल जाने का खतरा कितना होता है? इसी के साथ एक और बड़ी खबर आई है, जिसे जानने के बाद शायद आपको थोड़ी सी राहत मिल जाए। दोस्तों, अब एक ऐसी नई एक्सरे टेक्नोलॉजी आई है जिससे बिना RT-PCR टेस्ट किए ही कोरोना है या नहीं इसका पता चल जाएगा। अब तक किसी भी व्यक्ति में कोरोना संक्रमण पता लगाने के लिए रैपिड एंटीजन या RT-PCR टेस्ट का सहारा लिया जाता था। ये तकनीक उन देशों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है जिनके यहाँ RT-PCR टेस्ट की कमी है। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या है कोरोना की जांच करने वाली नई एक्सरे तकनीक, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और क्या ये RT-PCR की जगह ले सकती है। आज आपके तमाम सवालों का जवाब आपको देने वाली हूँ, लिहाजा बने रहिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ। तो चलिए जानते हैं क्या है कोरोना जांच करने वाली नई एक्सरे तकनीक, कैसे काम करती है नई एक्सरे तकनीक, क्या है एक्सरे से कोरोना जांच के फायदे। दोस्तों, अभी तक RT-PCR टेस्ट में वायरस के जेनेटिक मटेरियल की पहचान की जाती थी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण पकड़ने के लिए इस टेस्ट को सबसे बेहतरीन माना जाता है। RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट आने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। साथ ही रैपिड एंटीजन टेस्ट में वायरस के सरफेस पर प्रोटीन की पहचान के जरिए संक्रमण का पता लगाया जाता है। एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट आने में 15 से 30 मिनट लगते हैं। एंटीजन टेस्ट रिजल्ट को बहुत सटीक नहीं माना जाता। ये टेस्ट कई बार पॉजिटिव व्यक्ति को भी नेगेटिव बता देता है, जबकि RT-PCR और एंटीजन दोनों ही तरह के टेस्ट ज़्यादातर केवल ये बताते हैं कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये टेस्ट कोरोना वेरिएंट नहीं पकड़ पाते। वेरिएंट की पहचान के लिए सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की एकमात्र उपाय है, लेकिन अब कोरोना जाँच करने वाली एक नई तकनीक आ गई है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। स्कॉटलैंड के रिसर्चर्स द्वारा विकसित यह एक्सरे तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI पर आधारित है। इस तकनीक से किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं इसका पता कुछ ही मिनटों में चल जाएगा। UWS के रिसर्चर्स के मुताबिक इस नई तकनीक में कोरोना संक्रमित मरीज, स्वस्थ व्यक्तियों और वायरल निमोनिया से पीड़ित लोगों के करीब 3000 एक्सरे इमेज का डेटाबेस होता है। AI आधारित एक्सरे से इन सभी इमेजेस के स्कैन की तुलना की जाती है और फिर इसके बाद एक डीप कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क नाम की AI तकनीक एल्गोरिदम के जरिए विजुअल इमर्जरी का विश्लेषण करके पता करती है कि व्यक्ति कोरोना संक्रमित है या नहीं। रिसर्चर्स का दावा है कि एक विस्तृत टेस्टिंग फेज में इस तकनीक ने कोरोना संक्रमण का पता लगाने में 98% सटीक रिजल्ट दिया है। इस नई तकनीक को विकसित करने वाली 3 लोगों की टीम के प्रमुख प्रोफेसर रमजान का कहना है कि ये तकनीक उन देशों के लिए फायदेमंद साबित होगी जहां बड़ी संख्या में कोरोना टेस्ट करने के लिए जांच उपकरण उपलब्ध नहीं है। AI बेस्ड एक्सरे टेक्नोलॉजी से कोरोना का पता कुछ ही मिनटों में चल जाएगा, जबकि मौजूदा RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट आने में कम से कम 2 घंटे लगते हैं। जल्द कोरोना डिटेक्ट होने से मरीजों को इलाज में मदद मिलेगी। प्रोफेसर रमजान ने ये भी कहा कि तकनीक कोरोना का पता लगाने में PCR टेस्ट से तेज काम करती है।
उन्होंने कहा कि कोरोना का जल्द पता लगाने के लिए लंबे समय से एक शीघ्र विश्वसनीय टूल की जरूरत थी, खासतौर पर ओमिक्रॉन फैलने के बाद से। साथ ही प्रोफेसर ने कहा, वायरस के गंभीर मामलों की जांच करते समय ये टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण और संभावित रूप से जीवन रक्षक साबित हो सकती है। इससे जल्द ही ये तय करने में भी मदद मिलती है कि किस तरह से इलाज की जरूरत हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिरकार देश में आया ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट क्या है और ये कब और कहां पाया गया। क्या है स्टिल्थ ओमिक्रॉन? क्या इससे अस्पताल में भर्ती होने का है खतरा? दोस्तों, ओमिक्रॉन के कहर के बाद अब स्टिल्थ ओमिक्रॉन ने लोगों के बीच डर बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट स्टिल्थ ओमिक्रॉन को मूल ओमिक्रॉन से भी बहुत ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। स्टिल्थ ओमिक्रॉन के सबसे ज़्यादा सैंपल्स अब तक भारत समेत डेनमार्क, ब्रिटेन, स्वीडन और सिंगापुर में पाए गए हैं। यूरोपीय देशों में सब वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसकी सबसे अधिक ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि कोविड-19 की लहर को और बढ़ा सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्टिल्थ ओमिक्रॉन क्या है और इसकी पहचान कैसे की जाए। दरअसल दोस्तों, स्टिल्थ ओमिक्रॉन की पहचान यूके स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंसी ने की। यूके HSA के इंसिडेंट डायरेक्टर डॉक्टर मीरा चंद ने कहा कि विकसित और म्यूटेंट होना वायरस का नेचर है, इसीलिए ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में हमें कई नए नए वेरियंट्स देखने को मिल सकते हैं। जीनोमिक सर्वेलेंस के जरिए हम इसकी पहचान कर सकते हैं और इस बात का आकलन कर सकते हैं कि ये गंभीर है या फिर नहीं। इन सब लीनियज की पहचान पिछले साल दिसंबर के महीने में की गई थी, जबकि ब्रिटेन में स्टिल्थ ओमिक्रॉन यानी कि BA.2 सब वेरिएंट के 246 मामलों की पहचान की जा चुकी है। यूके HSA ने कहा कि वायरल जीनोम में बदलाव पर अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन शुरुआती आकलन से पता चलता है कि ओरिजिनल ओमिक्रॉन BA.1 की तुलना में स्टिल्थ ओमिक्रॉन की ग्रोथ रेट ज़्यादा बड़ी है। यूके HSA के अनुसार स्टिल्थ ओमिक्रॉन अब तक 40 देशों में पाया गया है। सबसे ज़्यादा ये डेनमार्क में फैल रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि इसको लेकर वैज्ञानिकों ने क्या कहा। दोस्तों, स्टेटन सीरम इंस्टीट्यूट यानी कि SSI के शोधकर्ताओं एंडर्स फांग्सगार्ड ने स्थानीय मीडिया से कहा कि सब वेरिएंट के तेजी से विकास को अभी अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता। इसकी ग्रोथ पर मैं हैरान हूँ, लेकिन चिंतित नहीं हूँ। हो सकता है कि ये आबादी में इम्यूनिटी के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो, जिसकी वजह से ये लोगों को तेजी से संक्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की भी संभावना हो सकती है कि BA.1 से संक्रमित होने के बाद आप BA.2 की भी चपेट में आ जाए। उन्होंने कहा, ये एक संभावना है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस स्थिति में हम इस महामारी के दो पीक देख सकते हैं, जबकि डेनमार्क के SSI के शुरुआती डेटा के मुताबिक BA.1 की तुलना में BA.2 के लिए अस्पताल में भर्ती होने के मामलों में कोई अंतर नहीं देखा गया। ओमिक्रॉन के BA.2 सब वेरिएंट में कोई ऐसा विशेष म्यूटेशन नहीं पाया गया जिसकी मदद से इसे डेल्टा से आसानी से अलग किया जा सके। वहीं कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये सब वेरिएंट RT-PCR टेस्ट से भी बच सकता है।